हेलो ऑल मॉम्स। तो ये वीडियो खास करके मॉम्स के लिए है। तो क्यों, तो जनरली बहुत सारे लेडीज़ होते हैं जो शादी के बाद सब उनका करियर वगैरह जो कुछ उनको आता है वो वहीं पे छोड़ देते हैं, और आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे हैं तो बच्चे के पालन पोषण में उनका उनका लाइफ चला जाता है और कुछ भी अर्न नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका भी नॉलेज जो कुछ आपने पहले किया है तो उसका भी यूज़ होना चाहिए। आपको भी आपके खुद के पैसे मिलने चाहिए, अर्न करना चाहिए। इससे आपका बॉडी और ब्रेन दोनों भी एक्टिव रहेगा, उसके साथ आपके साथ जो जो कुछ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ते रहेगा। ओके, तो चलते वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले पहला पॉइंट तो ये होता है कि सबसे पहले आपको खुद पर खुद में कौन सी क्वालिटीज़ है वो पहले आपको ऑब्जर्व करना है, थिंक करना है कि शादी से पहले आप किस में माहिर थे, किस में बेस्ट थे, कौन सी कला थी आप में, कौन सी थिंग बेस्ट थी जो हमेशा लोग बोलते कि ये आपने बेस्ट किया, वो आपने बेस्ट किया। ओके, और आज की वीडियो में बस टॉप थ्री जो वर्क है जो आप घर से इजीली कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है और कोई आपको बोलेगा भी नहीं। ओके, और आप अच्छी खासी इनकम भी अर्न कर सकते हो। तो ऐसे टॉप थ्री वर्क के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो पहले तो आपको मैंने अभी बताया कि पहले आपको थिंक करना है कि आपको कौन से काम में आप पहले माहिर थे, ये आपको थिंक करना है। जो भी काम आप पहले करते थे शादी से पहले जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, तो वो वर्क आपको YouTube पे अपलोड करना है डेली, और जिसका बहुत ज़्यादा नॉलेज है डेली वन वीडियो बनाओ, वन बाय वन पॉइंट उसमें ऐड करते रहो और वीडियो बनाओ। अगर लोगों को अच्छे लगते हैं, आपका अर्निंग भी अच्छा से होगा, और हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है मोनेटाइजेशन में वगैरह टाइम लगता है, लेकिन YouTube आपको अच्छी खासी आपको इनकम अर्न करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो YouTube पे वीडियो बनाते जाओ तो YouTube आपको उसका बेनिफिट भी आपको दे देगा। तो YouTube एक बेस्ट ऑप्शन है ऑल मॉम्स के लिए। अगर बेबी भी है, बेबी केयर से रिलेटेड भी आप चैनल मेक कर सकते हो। आपको कुकिंग का शौक है, हेयर कटिंग का, हेयर स्टाइल का, मेकअप का, जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, कलरिंग है, रंगोली मेकिंग है, कुछ भी, एवरी लेडीज़ में कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज़ होती है, तो वो आप YouTube पे शेयर करो। टीचिंग का, इवन टीचिंग ऑल्सो, अगर आपने कोई स्पेशलाइजेशन किया तो उसका भी नॉलेज आप यूट्यूब पे शेयर कर सकते हो, तो इससे आपको अच्छी खासी अर्निंग आपको हो जाएगी। ओके, तो ये एक यूट्यूब एक बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड वर्क है कि आप क्लासेस, ओके, कौन से भी क्लासेस घर पे ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन अगर पॉसिबल है तो कर सकते हो, नहीं पॉसिबल है तो ऑनलाइन आप बहुत सारे क्लासेस ले सकते हो बच्चों के, जैसे कि कोचिंग क्लासेस है, फोनिक्स के क्लासेस है, जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ ग्रेड के क्लासेस है, फिफ्थ से आगे के बच्चों के क्लासेस है, तो सबके क्लासेस आप ऑनलाइन इजीली ले सकते हो, अर्न कर सकते हो अच्छी खासी इनकम। ओके, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। अगर ऑफलाइन है तो बहुत बेस्ट है, ऑनलाइन है तो भी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं कि टीचिंग और भी ग्रेसफुल और भी प्रॉपरली करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस ऑनलाइन में रहते हैं। तो ये एक क्लासेस ले सकते हो आप, ऑनलाइन क्लासेस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इशू है, ओके, हेल्थ से रिलेटेड अगर बैक पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बैक पेन रहता है, मैं क्लासेस नहीं ले सकती, मैं वीडियोज़ नहीं बना सकती रेगुलरली, अगर आपको बैक पेन है, बॉडी पेन है, हैंड पेन है, और कोई तो फ्रैक्चर है, तो आप अगर आप ज़्यादा देर बैठकर काम नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप योगा टीचर, एज ए योगा टीचर भी वर्क कर सकते हो। योगा टीचर का बेसिक ट्रेनिंग ले लो, ओके, ट्रेनिंग के बाद उन बच्चों के साथ और जो आपके कस्टमर हो गए, जो आपके क्लाइंट हो गए, उनके साथ आप भी अगर योगा करोगे, योगा सीखोगे, योगा करोगे, तो आपके भी प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे, आपकी अर्निंग भी होगी, अच्छा खासा आपका योगा का भी क्लास हो जाएगा। तो अगर आप योगा के क्लासेस करते हो, ये बेस्ट ऑप्शन है जिनको ज़्यादा हेल्थ इश्यू है उनके लिए, ओके। अगर आप बैठकर ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, तो योगा टीचर ट्रेनिंग का क्लास आप करो, बहुत ही अच्छा है। ट्रेनिंग तो आप ऑफलाइन लेने के लिए आपको कुछ समय लगेगा, और उस समय के बाद, वो हो जाने के बाद आपको इमिजिएटली अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ओके। और बाकी के तो कोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, एक बेसिक कोर्स कर लो, और रिमेनिंग जो होते हैं रिमेनिंग कोर्सेज में, तो बेसिक है आपको फोनिक्स का क्लास कर सकते हो, टीचर ट्रेनिंग ले लो, और प्री प्राइमरी का टीचर ट्रेनिंग ले लो, और टीचर ट्रेनिंग कोई भी ले लो, और एक कोई जॉब स्कूल में प्री प्राइमरी टीचर में, कोई प्री प्राइमरी स्कूल में आप जॉब कर सकते हो इजीली, तो ये भी अच्छा सा ऑप्शन है। तो ऐसे आप घर बैठे अर्न कर सकते हो। तो अगर आपने ठान ली है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, खुद के पैसे कमाने हैं, तो आप ये ईजी वे से अर्न कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमेशा
कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज सेंड कर दो।